गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है फ्रैक्शंस में सब टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर वन है एक्सरसाइज 7.3 का, राइट द फ्रैक्शंस। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। यानी ये जो यहाँ पर सर्कल्स बनाए गए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें जो शेडेड पार्ट है इसकी हमें फ्रैक्शन लिखनी है। तो और हमें यह भी बताना है क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे शेडेड पार्ट जो है इस सर्कल में, वो अगर हम देखेंगे और से तो हाफ द सर्कल जो है उसको शेड किया गया है। तो अगर वही इस सर्कल हम यहाँ देखते हैं, बिल्कुल इसमें भी पहले ये हाफ था, उसको फिर चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इसको देखेंगे गौर से, तो अगर इसकी हम दो हिस्से करेंगे ये इसके बराबर होगा। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे हम, पहले हाफ था उसके बाद इसके छह पार्ट बनाए गए हैं। तो इसी तरह इस सर्कल में भी पहले ये हाफ ही था, शेडेड पार्ट, फिर इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं। तो अब हम अगर इनका फ्रैक्शंस लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे शेडेड पार्ट जो होगा 1/2। इसी तरह अब ये 1/2 के हमने फोर पार्ट बना दिए इसके सर्कल के, तो शेडेड पार्ट जो होगा वो आएगा 2/4। इसी तरह इस सर्कल में कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनमें से शेडेड हैं 3, दैट मीन्स 3/6। इसी तरह इस सर्कल में शेडेड पार्ट जो है वो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं आउट ऑफ 8 पार्ट्स, 4/8। अब अगर हमने एक बार फिर इसको देखते हैं, ये जो जितने भी सर्कल्स हैं, चार हैं, 1, 2, 3, 4, इन चारों सर्कल्स में आधा हिस्सा जो है वो शेड किया हुआ है। अब फिर उस पहले इसके दो ऐसे थे, फिर हमने उसी के चार बनाए, फिर उसी के छः बनाए, फिर उसी के आठ बनाए। मतलब यह है कि ये सब फ्रैक्शंस आपस में बराबर हैं। ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम लिखेंगे यस ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इसी तरह दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में अगर हम गौर से देखेंगे, एक यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें कितने बॉल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 12 बॉल्स हैं। 12 में से कितने को शेड किया गया है, 4 को, तो इसको हम लिखेंगे 4/8। इसी तरह ये दूसरा बॉक्स है, इसमें बॉल्स हैं 3, 3, 6, 3, 9 9 में से जो हैं वो 3 बाल शेडेड हैं, तो हम इसको लिखेंगे 3/9। इसी तरह यहाँ तीसरा बॉक्स है, इस बॉक्स में टोटल कितने, 2, 4 और 6 बाल हैं, 6 में से 2 बाल जो हैं शेडेड हैं, हम इसको लिखेंगे 2/6। इसी तरह इस लास्ट बॉक्स में 3 बाल हैं, 3 में से सिर्फ एक को शेड किया गया है, इसको हम लिखेंगे 1/3। अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो पहला बॉक्स है, इसमें अगर हम इस बॉक्स में अगर हम देखें, इसमें 3 लाइन्स हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसको हम कहेंगे 1, 2 और 3। 3 में से एक लाइन जो है वो शेडेड है, तो इसको भी हम कह सकते हैं 1/3। दैट मीन्स 4/8 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। इसी तरह इसको हम देखेंगे, इसमें भी हम 3 लाइनें हैं, 1, 2 और 3, तीनों में से सिर्फ एक लाइन शेडेड है, इसको भी हम कह सकते हैं 1/3। दैट मीन्स 3/9 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। अब हम इस बॉक्स में देखेंगे, अगर ये होगी एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन,
या इस तरह 1, 2 और 3, तीन में से एक जो है ये ग्रुप हम कहेंगे, एक ग्रुप ऑफ बॉल्स जो है वो शेडेड है, दैट मीन्स 2/6 इज आल्सो इक्वल टू 1/3। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शंस हैं 4/8, 3/9, 2/6 एंड 1/3, दीज फ्रैक्शंस आर ऑल इक्विवेलेंट। यस, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारा आज का क्या था, टॉपिक था इक्विवेलेंट, यानी हमारा टॉपिक था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो बाकी हम